दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में भारी बारिश जारी है। यूपी में कई दिनों से बारिश होने के कारण नदियां उफान पर हैं। उत्तर भारत ही नहीं दक्षिण भारत में भी भारी बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तक मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। आज के दिन 1756 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव ने कोलकाता पर पुनः कब्जे के लिए मद्रास से कूच किया था। 1846 में आज ही के दिन ब्रिटिश खगोलविद विलियम लासेन ने नेपच्यून के प्राकृतिक उपग्रह की खोज की थी। आज ही के दिन 1868 में क्यूबा ने स्पेन से स्वतंत्रता पाने के लिए विद्रोह किया था। भारत के शुरुआती कम्युनिस्ट नेताओं में से एक श्रीपाद अमृत डांगे का जन्म आज ही के दिन 1899 में हुआ था। आज ही के दिन 1910 में वाराणसी में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में प्रथम अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर राम विलास शर्मा का जन्म आज ही के दिन 1912 में हुआ था। आज ही के दिन 1924 में शिकागो में स्थित लोयोला विश्वविद्यालय के लेक शोर परिसर में अल्फा डेल्टा गामा बिरादरी की स्थापना की गई थी। भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह का जन्म आज ही के दिन 1924 में हुआ था। आज ही के दिन 1942 में सोवियत संघ ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने राजनयिक संबंधों की शुरुआत की थी। भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री रेखा का जन्म आज ही के दिन 1954 में हुआ था। रेखा का असली नाम भानु रेखा गणेशन है। रेखा ने अपने 40 सालों के लंबे करियर में लगभग 180 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। आज ही के दिन 1964 में टोक्यो में हुए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का पहली बार दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण किया गया था। 1971 में आज ही के दिन अमेरिका के एरिजोना के लेक हवासू शहर में लंदन ब्रिज को पुनर्निर्मित किया गया। इसे ब्रिटेन से खरीदकर तोड़कर अमेरिका लाया गया था। आज ही के दिन 1978 में रोहिणी खादिलकर राष्ट्रीय चेस प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम महिला बनी थी। 1990 में आज ही के दिन अमेरिका का 67वां मानव अंतरिक्ष मिशन डिस्कवरी 11 अंतरिक्ष से वापस लौटा था। आज ही के दिन 1999 में 2006 के राष्ट्रकुल खेल मेलबोर्न में कराए जाने की घोषणा की गई थी। 2001 में आज ही के दिन बांग्लादेश में खालिदा जिया ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। आज ही के दिन 2003 में भारत ने इसराइल और रूस के साथ एवाक्स निर्माण के लिए समझौता किया था। 2004 में आज ही के दिन ऑस्ट्रेलिया के संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री जॉन हार्वर्ड की भारी जीत हुई थी। आज ही के दिन 2008 में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक ICICI बैंक के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। पद्म भूषण से सम्मानित गजल सम्राट जगजीत सिंह का निधन आज ही के दिन 2011 में मुंबई के लीलावती अस्पताल में हुआ था। आज ही के दिन 2014 में भारत के कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। दक्षिण भारतीय सिनेमा की मशहूर हास्य अभिनेत्री मनोरमा का निधन आज ही के दिन 2015 में हुआ था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।